हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि जुडिशरी मेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए कुछ आपको टिप्स दूंगी, जिससे आपका एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत इजी हो जाएगा। मैंने जैसे कि आपको अपनी पिछली अर्लियर वीडियो में बताया था कि प्री एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए यू हैव टू मास्टर योर बेरेक्ट्स, बट जो मेंस एग्ज़ाम है उसमें सब कुछ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। हर सब्जेक्ट के कुछ कुछ पोर्शन होता है जो इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें से मेंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको मेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? लॉ तो सब पढ़ लेते हैं, लॉ के सब्जेक्ट्स तो जब से जुडिशरी की तैयारी करनी शुरू करते हैं सब लोग लॉ ही पढ़ते हैं, बट हर कोई ये भूल जाता है कि जो लैंग्वेजेस हैं, जैसे पंजाब में पंजाबी और इंग्लिश का पेपर आता है, हरियाणा में हिंदी और इंग्लिश का आता है, राजस्थान में भी लैंग्वेजेस हैं, हिमाचल, हर किसी में लैंग्वेज के एग्ज़ाम्स आते हैं। आपने अगर पुराने जिन स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स क्लियर होते हैं, आपने उनके मार्क्स देखे होंगे, तो सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस है वो लैंग्वेजेस के मार्क्स की वजह से ही आता है। और अगर आप ये सोचते हैं कि हम प्री क्लियर कर लेंगे, उसके बाद 45 2 मंथ्स का टाइम मिलता है, उसमें हम लॉ अपना पढ़ लेंगे, साथ साथ लैंग्वेज पढ़ के एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। आपको अपना लैंग्वेज वाला पोर्शन पहले ही आपको अपना इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए कि आपको तब एग्ज़ाम जब एकदम से आ जाता है, आपको बिल्कुल भी पैनिक ना करो आप। और एकदम से लैंग्वेजेस कभी भी स्ट्रांग नहीं होती हैं। आपको अपना एसे पार्ट, अपना पंजाबी जैसे आपको लिखनी, आपको एसे राइटिंग, ग्रामर, जैसे पंजाब में ग्रामर भी आती है, इंग्लिश में, पंजाबी में, हरियाणा में भी ग्रामर पार्ट आता है, तो वो उस चीज़ को समझने के लिए आपको टाइम लग जाता है और पढ़ने के लिए। तो जब से आप अपनी जुडिशरी की तैयारी शुरू करें, तो डेली में आप ये सोच लीजिए कि मैंने 1 घंटा अपने लैंग्वेजेस को देना ही देना है, दोनों लैंग्वेजेस को 1 1 घंटा मैंने देना ही देना है। उससे आपका एग्ज़ाम क्लियर करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। सेकंड थिंग जो है, आपको मेंस के एग्ज़ाम में जो है आंसर्स ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा, जैसे उन्होंने कुछ पूछा है तो आपको उसका टू द पॉइंट ही आंसर लिखना है। ये नहीं है कि आप उसकी लेंथ बनाने लग जाओ, जैसे हम LLB और LLM के एग्ज़ाम्स में करते हैं, शीट्स नहीं भरनी है आपको वहाँ पे। थर्ड थिंग इज़ आप जो भी पढ़ो उसको अच्छे से पढ़ो, टॉपिक को अच्छे से समझो। ये नहीं है कि आपने, कि मैंने तो आज बियर एक्ट ख़त्म करना है तो आपने स्टार्ट किया तो उसको एंड कर दिया। आपने जो भी टॉपिक्स आपने उठाए हैं उसको अच्छे से, उसको डेप्थ में स्टडी कीजिए, उसको अच्छे से समझिए, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन कल को अगर मेंस में आता है तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकें। सो ये कुछ टिप्स थे जिससे आपको मेंस का एग्ज़ाम क्लियर करना इजी हो जाएगा। आई होप कि मेरी वीडियोज़ आपको हेल्प करेंगी आपका एग्ज़ाम क्लियर करने में। अगर आप लोगों को किसी भी रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट लिख सकते हैं, मैं विदिन अ डे उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।